नाम है बाबसन और मेरा नाम है फैसल बंगर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने प्यारों में आबाद होंगे। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो की थी BTS पे और वो थोड़ा सा ओवर हो गई थी। नहीं, ओवर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आप लोग बड़े गुस्सा हो। कोई ओवर नहीं हुई, कोई वीडियो ओवर। मैंने बोला भी था कि हमें गालियां पड़ने वाली है लेकिन तुम नहीं माने। वीडियो ओवर हुई नहीं है, कुछ इस तरह का सीन था ही नहीं। वीडियो के कमेंट्स जो वीडियो पे लिखा हुआ आ रहा था वो पढ़ पढ़ के हंस रहे थे। आप लोग समझ रहे हो कि हम BTS पे हंस रहे हैं लेकिन नहीं, BTS की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की कमेंट देखते हैं ना, कमेंट देखते हैं कि क्या क्या कमेंट है। कमेंट पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने जो हमें गंदा किया है ना तो वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहला कमेंट हम अनामिका रिया का पढ़ेंगे। सबसे पहले तो माजरत आप सबको कि अगर हमारी कोई बात बुरी लगे। मैंने लास्ट वीडियो के एंड पे भी कहा था कि BTS आर्मी से हम माजरत चाहते हैं कि हमारी कोई इस तरह का कोई सीन हुआ है तो हम माजरत चाहते हैं। हमने वैसे शोल्डर मेरा लगाया और हमने BTS के ऊपर कोई बात नहीं की, हमने सारे जो हमने रीड कर रहे थे कमेंट्स हमने उसके ऊपर बात की और वो कमेंट BTS ने नहीं लिखे थे, वो आप लोगों ने या किसी बंदे ने लिखे थे और हम उसके ऊपर हंस रहे थे, वो कुछ फनी बातें लिखी हुई थी। सो ये क्लियर करना ज़रूरी था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आ गए हैं, अगर आपने हमारे वीडियो को डिसलाइक किया तो उसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि परफॉर्मेंसेस की वीडियोस अभी आती रहेगी। आप लोग भी हमें वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। BTS की वीडियोस हमारे चैनल से अब पै दर पै आती रहेंगी। अब पता नहीं होता क्या है, किस तरह की आती है पर आती रहेंगी। ट्रोलिंग वाली वीडियोस नहीं आएंगी, ना हम ट्रोल कर रहे हैं किसी को और ना आप हमें ट्रोल करेंगे। ये इधर देखो ना, नीचे पूरे पूरे पैराग्राफ सेंड किए हैं आप लोगों ने, हद हो गई है। सुबह से हंस हंस के पागल हो गए कि हमने क्या कच मारी है और आप लोगों ने भी नीचे कच मारी। चलो भाई, पहला कमेंट हम जो देख रहे हैं, एक ये सचिन भाई तो बोल रहे हैं कि आप लोग किस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं बताना ज़रा। तो भाई हमने सिर्फ कमेंट्स पढ़ के हंसे हैं जो वीडियो के ऊपर लिखे हुए थे, बाकी हम BTS पे कोई नहीं हंसे। वो लोग अपनी जगह पे ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको फेम मिला है तो हाँ। और ये अनामिका रिया इंडिया से, इनका कमेंट आया रिएक्शन ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो हमने वीडियो खोल लिया, आगे हमारे टैब में खुली हुई है वो वीडियो, तो हम उनकी परफॉर्मेंस भी रिएक्शन करने वाले हैं। बट उससे पहले हम रिएक्शन आपके कमेंट पढ़ेंगे सबके, जो जो कमेंट आए हैं वो नेक काम फैसल भाई करेंगे और ये सारे कमेंट पढ़ेंगे जी। कमेंट तो आए हैं बहुत बुरे बुरे आए। आप लोग को ऑल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं कितना गंदा किया है लोगों ने हमें। आज तो 13 कमेंट है पर वो सही भारी कमेंट आया, मतलब सही पूरे पूरे पैराग्राफ सेंड हुए हैं। YouTube को वो लगाना पड़ गया है, वो जो स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करते हैं वो साथ लगा हुआ है यहाँ पे कमेंट के नीचे, इतना लंबा कमेंट है। चलो जी स्टार्ट करो कमेंट भाई साहब। ये पहला कमेंट आया जी, जी जो तो है सुमन गंगवार, इसने बड़ा फनी कमेंट भी किया है, BTS got fame by hard work and passion। बिल्कुल सही बात कही आपने, राइट, यू आर राइट। हाँ, क्योंकि उनको फेम मिला है उनके हार्ड वर्क की वजह से, उनके सब्र की वजह से, ठीक है। BTS मेंबर आर हिला टैलेंटेड एंड दैट्स व्हाट आर्मी लव्स अबाउट देम। बिल्कुल वो लोग टैलेंटेड हैं और इसी वजह से जो है लोग उनको प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बिल्कुल उनके परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं। तो हाँ, हमने तो लास्ट वीडियो में सच ही कहा था कि गालियाँ ही पड़ेगी इसको डर था और वही मुझे पहले से ही पता था कि हमें गालियाँ ही पड़ने वाली है क्योंकि हमने जो बातें की थी वो इसी के पर उसमें कोई इस तरह की बात थी नहीं, मुझे नहीं लगता। हमारे हिसाब से तो नहीं थी लेकिन लोग उसको उल्टा ले गए। बट आपके अगर गुर्दों पे फेफड़ों पे दिल पे पत्थर लग गया हो तो माजरत करते हैं, फिर दोबारा गुर्दे के कोने से आपसे माजरत करते हैं, सॉरी दिल के कोने से। तो अच्छा आगे क्या कहा है उन्होंने, और हाँ सही कहा आपने, गालियाँ ही पड़ेगी आपको इस वीडियो के बाद क्योंकि अब आप बात ही ऐसे करोगे तो लोग क्या करें। हाँ, हम बातें उस वजह से किए कि वीडियो पे जो लिखा हुआ आ रहा था कमेंट्स, मैं वीडियो में बोल भी रहा था कि आज हम कमेंट्स रीड करने वाले हैं, वीडियो हम नहीं देखने वाले हैं। हाँ। हमने ज़्यादा कमेंट्स ही सारे रीड किए। तो इसी मैडम का दूसरा कमेंट जो है, डोंट जस्ट BTS विदाउट नोइंग देम। हाँ बिल्कुल, हमें पता था इनके बारे में, कुछ थोड़ा बहुत पता था मुझे, इनके जो है
उस हवाले से पता था, इसलिए मैंने बोला। लेकिन हम किसी को जज नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो है उनके वीडियो के ऊपर बार बार हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को पता चले वीडियो के ऊपर जो ट्वीट्स टाइप के लिखे होते हुए थे, तो उसी वजह से हमने किए। अच्छा, तो अनामिका बोल रही है कि फर्स्ट BTS पर रिएक्शन देने के लिए कोई और वीडियो नहीं मिला। हमने रैंडम वीडियो उठाई थी, रैंडम उठाई है, बिल्कुल रैंडम उठाई है। अचानक से हमारा टॉपिक जो है वो BTS हो गया और अचानक हुआ है, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। रैंडम हमने वीडियो उठाई और वीडियो भी हमें ऐसे मिली कि पता नहीं फनी थी, सीरियस थी, एटीट्यूड वाली थी, कौन सी थी, लेकिन हमें अचानक से वीडियो मिल गई। नहीं समझ आई, बस सामने से थोड़ा सा शुगर लगा। आज हम रिएक्ट करेंगे BTS की परफॉर्मेंस पे, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये क्या बात है, क्या बात है, साउंड सिस्टम वैसे सच्ची बात यह है कि ये लोग बड़ा हैवी परफॉर्म करते हैं, मतलब इसी वजह से इनको फेम मिला, इनके हार्डवर्क की वजह से। बड़ी एंट्री दी है, इस तरह की एंट्री सर्कस में होती है पता है। हाँ, मेले में ऐसी सर्कस लगती है, पर हर कोई कर भी नहीं सकता ना ये। हाँ बिल्कुल, अब उतरने में क्या सारे लोग हैरान बैठे हुए देख। क्या हैरान बैठे हैं, और एक हंस रही है वो, क्यों हंस रही है, बातें कर रहे पता नहीं। ओ क्या बोला उसने पता है, गॉड निकाला उसके सामने से, अब ये फेंकेगा उधर। वाह क्या बात है यार, क्या बात है, क्या हो रहा है, डांस परफॉर्मेंस हो रहा है। अच्छा मैं समझ गया, कोई शय गुम हो गई नजीर लाफ। ये बंदा देखो फिर हंस रहा है, किस बात में हंस रहे हैं, पुराने बात को याद कर करके हंस रहे हैं। अब मैं ऐसे बात में पूछूंगा फिर मुझे कमेंट कमेंट्स याद आ रहे हैं। हाँ भाई अच्छा कह रहे हैं क्या हमारे पर, ये टीम कौन सी है, ये पिच खड़ी हुई है बॉबी की टीम है। नहीं नहीं वो पीछे से बंद कर रहे हैं सेटअप सारा, क्लोज द वीडियो ख़त्म होने वाली है। तो ये जी परफॉर्मेंस था BTS का, हो रही है अभी, ये कौन सा अवार्ड था, ग्रैमी अवार्ड था। हाँ बट ग्रैमी अवार्ड नहीं है, ग्रैमी अवार्ड कर वाली है। कौन सुना, ग्रेट परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने, इसी वजह से इनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इनके किसी स्पेसिफिक वीडियो पे रिएक्शन करें तो आप लोग हमें कमेंट में लिख दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मैं हाँ से सोच रहा था, जो कमेंट्स आ रहे थे मुझे, मैं उसके ऊपर सोच वो तो सुबह उठते साथ ही हमें पता नहीं सुबह उठते साथ, हालांकि हम 12 बजे उठने वाले लोग हैं, मैं सुबह उठाऊँ 9 बजे, मैंने ऐसे रैंडमली मोबाइल चेक किया तो जी कमेंट्स पे कमेंट्स सुबह सुबह हमारे जनाब, पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, लड़की बोल रही है एफ बट ठीक है वो कमेंट देख सकते हैं आप, सारा कुछ लिखा है यार उसमें, कोई हमने छुपाई कोई चीज़ नहीं, हमने कोई कमेंट रिमूव नहीं किया, हम क्यों करें यार, हमने कुछ इस तरह की बात की नहीं है, आपके दिल गुर्दों फेफड़ों पर लग गई है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस देखें, अगर आप चाहते हैं BTS के अलावा भी हम किसी वीडियो पर रिएक्शन करें, हाँ वो भी कह सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो देखें, आपको नहीं अच्छी लगती हमारी वीडियो छोड़ सकते हैं आप, नो इशू कोई मसला नहीं है।
मिलते हैं चले किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही था, मिलते हैं चले किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान अरबाब हसन एंड फैसल बंगश को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने